नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज एंड मीडिया एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के पीरू अनुमंडल के कचनाथ मोड़ में। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर JM इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से यहाँ पर एनुअल फंक्शन मनाया गया है काफ़ी धूमधाम से। हमारे साथ मौजूद हैं JM इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सर, इनसे हम बात करेंगे किस तरह से एनुअल फंक्शन मनाया। कहने का तो जो है आज रिजल्ट भी घोषित किए हैं लड़का लोगों को, और लड़का लोग काफ़ी उत्साह हैं रिजल्ट पाकर। सर स्वागत है आपका। सर मैं यहाँ पर बच्चों का भविष्य के लिए, मैं चंदन कुमार, बच्चों का भविष्य के लिए मैं हमेशा ही प्रेरक स्वरूप के रूप में विचार रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि बच्चे हर तरह से सुनिश्चित हों और भारत के भविष्य के लिए बेहतर से बेहतर एक भारत का भविष्य यहाँ से भविष्य तैयार किया जाए। एनुअल फंक्शन आज मना रहे थे, रिजल्ट भी बांटने हैं पूरे जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, एनुअल फंक्शन किस तरह से सेलिब्रेट किया है? सर काफ़ी आनंद आया, बहुत सारे क्राउड थी, बहुत सारे पेरेंट्स का आशीर्वाद मिला, बच्चे का भी बहुत सारा प्यार मिला, और हमारे लिए बच्चे और मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए भगवान है। मैं इस गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि अपार भीड़ के बीच में ये महोत्सव को मनाया गया। कौन कौन से कार्यक्रम हुए इस एनुअल फंक्शन में? इसमें बाल विवाह जैसे करने वैसे भरने, आपका शिव तांडव का प्रसंग हुआ, उसके बाद बहुत सा आपका डांस हुए, म्यूजिक हुए, सिंगिंग हुए, ये सारे कार्यक्रम थे। JM इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से बच्चे लोग किस तरह से भविष्य को सुनहरा प्रदान कर? सर मैं तो आपको दिल से मैं बोल रहा हूँ कि जो इस विद्यालय में पढ़ेंगे उनकी सुनिश्चित है उस मुकाम पे पहुंचना जहां पे वो पहुंचना चाहते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यहां ऑल ओवर इंडिया में नंबर वन रैंक आपको बहुत जल्द ही देने वाला हूं। तो इसलिए इस स्कूल के बारे में कम से कम तारीफ किया जाए, और मैं करने से विश्वास रखता हूं, कहने में कोई विश्वास नहीं रखता। काफ़ी जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं काफ़ी कार्यक्रम में उत्साहित थे कार्यक्रम में, और कार्यक्रम किए भी और कार्यक्रम को देखे भी। सर ये तो आपकी बड़प्पन है कि ये तारीफ आप कर रहे हो कि इस चीज़ को आपने देखा, यहाँ के बच्चे बहुत सारे टैलेंट है उनके अंदर में। सर सच ही कहा गया है कि अगर परख ना हो, परखने वाला है ना हो, तो उसकी क्वालिटी नहीं परखा जा सकता। सर मैं उस तरह से परखने वाला इंसान हूँ कि हर किसी में कोई ना कोई ज़रूर कुछ ना कुछ काबिलियत है। अब रह गया काबिलियत की पहचान करने की। हम वो कोहनूर हैं कि उस मंडी से निकाल कर उस तस्वीर को कोहनूर हीरा बनाकर सजा देता हूँ। इसलिए आप मेरी संस्कार विचार दृढ़ संकल्प पर बिल्कुल संदेह ना करें। नए सेशन के लिए क्या कहेंगे? बहुत सारे गार्जियन लोग पूछ रहे थे हमसे स्कूल के बारे में। सर नया सेशन के लिए मुझे कहना यही है कि अगर भविष्य अगर दे सकता है तो JM इंटरनेशनल दे सकता है। इसलिए क्योंकि मैं वैसा शख्स हूँ जो स्कूल तक ही सीमित नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग करता हूँ। हर वीक में हर बच्चे के पास मैं जाता हूँ और उनके पेरेंट्स को हिट करता हूँ कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये आप पूरे मंडी में पूछ सकते हैं। लोग दूसरे स्कूल बहुत बोलते हैं कि सर इसके लिए जाते हैं, इस कारण जाते हैं, लोगों को मैं बदल के रख दूंगा और तस्वीर में सजा के रख दूंगा, लोग को बदलनी पड़ेगी और यहाँ पे एजुकेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी महल को महल बाई महल बनवाते जाएंगे। सर मेरे पास बच्चे की कमी नहीं है, आप अगले साल देखना, आज के डेट में 937 स्टूडेंट्स हैं, तो अगले साल आप देखोगे कि कम से कम 1200 बच्चे होंगे, ये मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ में कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना थैंक यू सर, आपको अच्छा, भी काफ़ी अच्छा लगा। चलिए सर थैंक यू, बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपको भी। देखिए JM इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सर थे जो कि चंदन सर, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। एनुअल फंक्शन भी काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हुआ, सभी बच्चे उत्सुकतापूर्वक जो है इसे पार्टिसिपेट भी किए एनुअल फंक्शन में, और देखे भी, गार्जियंस लोग भी आए हुए थे, और जो है रिजल्ट भी बांटे गए हैं जो एनुअल रिजल्ट है। इस तरह से देखते रहिए आप लोग परसुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।